छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की वापसी के लिए सोमवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें भाजपा शासन के दौरान दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर चर्चा की गई। इस दौरान कुल 46 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। वहीं 13 प्रकरणों को अमान्य कर दिया गया। बैठक में मंत्री शिवकुमार डहरिया, श्रीमती अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित विधि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। एक पॉलिसी है कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं, लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसकी पहले भी बैठकें हुई है। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से उनकी आज के जो प्रकरण थे उनकी जानकारी है।